देख रहे हो ये चेयर अपने को बलि मांग रहा है। देख रहे हो खून कितना ही कर रहा है साला। वो प्लास्टिक चेयर हल्का सा लग गया तो पूरा खून बह रहा है। देख रहे हो लाइट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई दो का लाइट हम लोग ये वाला पहले बार फुल स्लिंग पे लगाए हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सीलिंग पे 2x2 का एलईडी सरफेस लाइट किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। हम इसका पार्ट वन भी बनाए हैं, ये पार्ट टू रहेगा, और इसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर लाइट लगा हुआ, स्ट्रिप लगा है तो क्या लगा है इसके अंदर। हम आपको पूरा इसको ओपन करके दिखाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइट लगाया गया तो इतना रोशनी आ रहा है। पार्ट वन पे आपको 2-3 लाइट आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाए थे। यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोग लाइट इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 36 वाट का काफ़ी जगह हम लोग का लग रहा है। तो हाइटेड में एक जगह हम लोग का करीब 15-16 फीट करीब हाइट पर हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। किस तरीके से जुगाड़ लगा के करेंगे हम आपको इस वीडियो पर डिटेल बताने वाले। 2x2 का हमारे पास है बजाज कंपनी का लाइट है और 36 लुमेंस है, और पूरा डिटेल में आपको बताने वाले इस वीडियो पे। दोस्तों वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, इसका काफ़ी सारा वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पे हमारे, जाके आप चेकआउट करके चेक कर सकते हो जो हमारा सरफेस लाइट का। दोस्तों वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा सा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये बजाज कंपनी का लाइट है, ये देख सकते हो यहाँ पर मेंशन किया गया बजाज कंपनी का, और ये जो है आपको लग रहा होगा डब्बे देख के कितना बड़ा लाइट होगा, तो हम आपको इसका मेंशन दिखाते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बजाज कंपनी में यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख सकते हो ये 3600 वाट का यहाँ पर मॉडल नेम सब कुछ दिया गया, और क्वान्टिटी यहाँ पर 2 पीस रहेगा अंदर में, और इसका प्राइस रेट देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर कितना है, तो समथिंग कितना होगा आप सोच सकते हो इतना प्राइस रेट है। तो हम लोग को पता कैसे चल रहा है इतना वाट का कैसा लगाना है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, और ये देखिए यहाँ पर मेल लॉकर रूम में हम लोग को लगाना है यहाँ पर 3 पीस, तो ये हमारा 3600 वाट है बोल के हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर सभी कुछ ड्राइंग में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो प्लानिंग, यहाँ पर 3600 लुमिनेंस सरफेस, देखिए यहाँ पर लुमिनेंस सरफेस लाइट, तो ये 3600 लुमिनेंस मतलब ये हमारा 36 वाट का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 1500 लुमिनेंस दिया हुआ है, तो ये वो भी सरफेस लाइट 15 वाट हो गया, और 800 लुमिनेंस दिया है हमारे, तो यहाँ पर 8 वाट हो गया। तो वहाँ पर हम लोग को उसी तरीके से पूरा प्लानिंग करना है, और उसी हिसाब से यहाँ पर लाइट लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है लाइट लगाने वाले हैं, तो हम लोग को पता चला इसी तरीके से यहाँ पर 36 वाट का ये लाइट है। तो चलो इसको हम लोग जो है अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा तरीके से यहाँ पर दिखता है हमारा लाइट 2x2 का। फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम लोग लाइट देखिए यहाँ पर किस तरीके से पैकिंग करके दिया गया, और ये काफ़ी बड़ा साइज का है, आप देख सकते हो लाइट जो हमारा, और ये पूरा अल्मीनियम बॉडी में, इसीलिए वहाँ पर अल्मीनियम बॉडी लिख दिया गया, और आप देख सकते हो यहाँ पर मेटल पूरा बॉडी जो है हमारा, और इसमें भी मेंशन किया गया है यहाँ पर कितने वाटेज का हमारा ये लाइट है हमारा, ठीक है। ये अपना सरफेस लाइट है और ये 36 वाट का है, ठीक है। तो इसका आउटपुट ये सब कुछ यहीं पर हमारा जो ड्राइवर अंदर में है, बाहर में कुछ भी नहीं है। इसका कनेक्शन देखिए यहाँ पर, इसका कनेक्शन यहाँ पर लीड वायर निकाल दिए गए, और बहार से यहाँ पर कनेक्टर भी लगा के दिए गए, 3 वायर देना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को बोला गया यहाँ पर 3 वायर ज़रूर छोड़ना। ये बॉडी देखिए, और ये देखिए इसका लाइट का रिव्यू देखिए, यहाँ पर ये पीवीसी में है, ये हमारा डिफ्यूज़र है, ठीक है। ये डिफ्यूज़र कितना बड़ा है आप देख रहे हो, और आपको इसका जो है एक बार इसको खोल के दिखाऊँगी आपको क्या क्या है यहाँ पर, पूरा डिटेल आपको बताएंगे यहाँ पर कैसा है लाइट, कैसा जलेगा पूरा हम आपको बताएंगे। पहले तो आपको लाइट ऑन करके देखते हैं इसमें कनेक्शन डाल के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लैक और रेड में हम लोग दे दिए, और रनिंग अर्थिंग में अभी नहीं देंगे, और आपको टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर लाइट कैसा जलता है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तो दिन को है, तो दिन में हम लोग को लाइट पता नहीं चल रहा, ये लगने के बाद नाइट को पता चलेगा इसका जो रोशनी कैसा अपने को मिलेगा। तो ये सोच रहे होंगे इसमें क्या लगा है, तो इतना बड़ा लाइट को कंपनी वाले लोग बोले गए, मतलब इलेक्ट्रिकल प्लान में इतना वाला लाइट क्यों दिया गया, रोशनी अपने को कम दिख रहा है। तो
तो हम आपको खोल के दिखाएं क्या? चलो आपको इसका खोल के दिखाते हैं यहाँ पर नट लॉक को, और आपको बताते हैं यहाँ पर रोशनी कैसे मिलता है अपने को लाइट को। और क्वांटिटी में यहाँ पर दो पीस दिया गया है इसके अंदर, और ये हैंगिंग होगा सीलिंग पे, कैसा होगा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक दीवार पे आ जाए भाई, ऐसा ये ऐसा होगा, चार स्क्रू लगेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ऐसा सीलिंग पे, ठीक है, सीलिंग पे ऐसा जाके ऐसा होगा। चलो इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं लाइट व्यू, इसको लगाने के पहले क्या लाइट है, तो इतना रोशनी आने वाला है 36 वाट का। तो हम यहाँ पर नट दिया गया, इसको हम लोग खोल लिए और देखते हैं अंदर में क्या है। चल वाला खोल, यहाँ पर तो डिफ्यूजर मिल रहा अपने को। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो क्या है भाई, ये तो पूरा हमारे एक टीवी है जैसा लग रहा है, जैसे टीवी में जो हमारे लगता है ना लाइट, उसे यहाँ पर देखिए डिफ्यूजर है। और ये देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रिप दिया गया है, और स्ट्रिप देखिए यहाँ पर कितने लाइट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 टोटल यहाँ पर कितने लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों आपको पता चल गया ना कैसा लाइट है और कैसा रिव्यू आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर करने के बाद ना तो पता चला हमने को इस तरीके से, और कंट्रोल यहाँ पर पावर सप्लाई दिया है कंट्रोलर, और इसको प्लस माइनस करके यहाँ पर सीरीज में बनाया गया है, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ पर रनिंग अर्थिंग भी देना है अपने को बॉडी पे, तो ये बॉडी पे रनिंग अर्थिंग देना है, इसीलिए हम लोग को 3 वायर यहाँ पर पॉइंट में छोड़ने के लिए बोला गया है, ताकि यहाँ पर पॉइंट में डाल सके। तो ये देख सकते हो दोस्तों कैसा है। अब चलो इसको फाइनल पैक कर देते हैं, और इसके बाद आपको इसको इंस्टॉलेशन करना सिखाएंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आपको बताएं, यहाँ पर हमारे को जो हैंगिंग होगा ना सीलिंग पे, उसको हम लोग को मेजरमेंट लेना है, सही मेजरमेंट लेना है, तब जाके हमारे को एक बंदा लाइट लगा पाएगा, नहीं तो दो बंदे तो यहाँ पर एक घोड़ी पे तो खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दिक्कत होगा। तो एक ही बंदे को जाना पड़ेगा और नीचे से सब सामान देना पड़ेगा। देख रहे हो अपने वाला घोड़ी जो है ना, इसका हाइट जो है छोटा है ना, 7 फीट का, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर करीब 8 करीब होगा, 10 फीट का तो होगा ही घोड़ी अपना। तो चलो इसके ऊपर जाके देखते हैं हमारा हाथ पहुंचता कि नहीं। तो पहले हम लोग वायर खींचे थे ना, पता हूँ आपको, उसमें ड्रम रख के वहां पर ऊपर में हाँ वायरिंग किए थे। अभी देखते हैं ये जा रहा है ऊपर, और इसके लिए जुगाड़ देख रहे हो, ये कौन सा बैग लेके आया यहाँ पर सामान पकड़ने के लिए, बार बार ऊपर से नीचे नहीं आने का, पूरा ग्रीप ये सब लगाना है। और ये देख रहे हो पूरा बैग का धनिया बहुत ही नया लाया था मैं, ये मुकेश इसको पूरा गंदा कर दिया, साफ सुथरा करता नहीं। अब पहले बार देख रहे होंगे एक घोड़ी से दूसरे घोड़ी पे जा रहा है, नहीं तो ये साला हिल रहा है ना बहुत, ऐसा अनबैलेंस हो रहा है। और जो आपको बताऊंगा यही बनाया है, ये काम किया है, यही काम किया है ना, तो ये पूरा इसको बनाने इनको पता है। तो चल देखा हाथ पहुंचा, देखो हाथ बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा आपको पता है ना, उसके ऊपर फिर से एक ड्रम रखना पड़ेगा, नहीं तो एक टेबल रखना। तो चलो एक जुगाड़ लेके आए, एक टेबल और देते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं इसका हाथ पहुंचता है। तो मेन लोकल का तो आराम से लग गया, यहाँ पर लोचा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हाइटेड ज्यादा है, और इसके लिए हमारे पास घोड़ी नहीं है। तो क्या प्लान है देख रहे हो, इसके ऊपर जा रहा हमारा टेबल लगा के, उसके बाद उसका हाथ पहुंचा है, लंबा होने का फायदा कोई नहीं निकला। अब उस देखिए वहां पर मेजरमेंट ले रहा है, और पूरा मेजरमेंट फिक्स लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हम लोग स्क्रू को मेजरमेंट लेना पड़ेगा, उसको पकड़ के मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनल लाइट से नापने वाले हैं लोग। देखते हैं कैसा करते हैं मेजरमेंट इसका, बस बस ऐसे ही रखना है बस। तो देख रहे हो काफी मेहनत होने वाला है अपना, तो अभी फाइनल ऐसे लेके मेजरमेंट करें, सही आ रहा नहीं हो देख रहे हैं अभी। चलो लाइट को देते हैं, अभी ग्रिप लगा लिया तेज, और अभी ग्रिप कर दिया हो देख सकते हो यहाँ पर ड्रिल चला के, देखते हैं सही तरीके से आता है कि नहीं। उसके बाद फर्मा देंगे, फर्मा बना रहे हैं अभी मुकेश को, अब मुकेश देगा तेज को, उसके बाद ग्रिप लग गया और स्क्रू लगेगा अभी। तो दोस्तों आप देख रहे हो कितना मेहनत लग रहा है एक लाइट लगाने के लिए, आप काफी आसान से लग जाएगा और सोच रहे होंगे फिर ये देख रहे हो घोड़ी पे एक घोड़ी और टेबल लगाया तब हमारा लाइट पॉइंट पहुंच रहा है वहाँ। देख रहे हो काफी डेंजर है, हम लोग सोच रहे थे इससे लिए घोड़ी लेके आने का, करीब हाइट वाला, ये छोटा हाइट हो रहा है ना तो दिक्कत जा रहा अपने को, देखते हैं ये हुआ कि नहीं।
तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लाइट लग चुका हमारा और अच्छी तरीके से फुल टाइट भी कर रहा है तेज, और फर्मा बनाते बनाते तो एक लाइट लग ही गया हमारा। देखते हैं लाइट हमारा अभी कैसे तरीके से नीचे से दिखता है। ये फाइनल हो गया और वायरिंग बचा है, 3 वायर वहां पर हम लोग को जोड़ना है। जैसे कि हम लोग वहां पर जोड़े तो काफी दिक्कत हुआ और फाइनली हमारा सरफेस लाइट लग गया। और आप देख सकते हो वायरिंग चल रहा है, वायरिंग होने के बाद सेम प्रोसेस में हम लोग के पास 4 लाइट और है। और आप देख सकते हो इधर तो हमारा 15 वाट का लगा है, आपको दिखाता हूँ, इधर हमारा 15 वाट का छोटा पीस लगा है, ठीक है। यहाँ भी बड़ा लाइट देना था और ये बाहर तरफ कैनोपी में भी हमारा जो है छोटा लाइट 15 वाट का लगेगा, बस यहीं पर हमारा। चलो एक पीस तो लग गया और देखते हैं यहाँ पर इसका लाइट चालू करके, यहाँ से हमारा स्विच है, लाइन चार्ज करते हैं अभी, तो चलो लाइट ऑन करते हैं। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एक ही लाइट में हमारा काम हो गया रोशनी, और नहीं लगाने का है अभी, लगाना है दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, 4 लाइट लगेगा इसी तरीके से, 4 लाइट लगेगा हम आपको, और शाम के समय होने के वाले, उसके बाद हम उसको आपको दिखाते हैं। हमारे जो उधर 3 लाइट लगाए ना वहां का आपको रिव्यू दिखाते हैं, देखिए। तो इसी तरीके से सभी को लगाना है, चलो लगने दो, उसके बाद आपको दोनों जगह का दिखाएंगे अभी आप। लाइट को मेजरमेंट लेने के लिए काफी दिक्कत जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग दिक्कत जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे अभी, फर्मा बना रहे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्मा बना रहे, तैयारी चल रहा है अपना, देख रहे हो कौन सा स्केल लेके अभी, ये मेजरमेंट लेने के लिए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा इसको मेजरमेंट लेने वाला है सही तरीके से, तो हर तरफ जो है हम लोग मेजरमेंट लेंगे इसको, क्या हुआ फर्मा बनाने के चक्कर में। एक बार हम लोग दीवार पे ट्राई कर रहे हैं फर्मा बना के, चेक कर रहे हैं उसको मिलता है कि नहीं। दूसरी जगह का फिर से स्टार्टिंग कर लिया हम लोग काम, और देख सकते हो दोनों गोड़ी फिर से लगा दिए और जा रहा तेज ऊपर, घोड़ी के ऊपर चेर, चेर के ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद जो है मेजरमेंट लेगा। तो मेजरमेंट कैसे लेना अभी देते हैं, फर्मा बनाया हम लोग तो फर्मा को काम आता है कि नहीं देखते हैं। ये तो सही तरीके से लग गया, फिर दिक्कत गया काफी दिक्कत, तो फर्मा में देखते हैं अभी, देखते हैं फर्मा हमारा काम आता है कि नहीं। हम लोग तो बना दिए, तेज भी उसको काट दिया गया मार्किंग के लिए। मेजरमेंट लेने के बाद देखते हैं हमारा जो सरफेस लाइट इंस्टॉलेशन होता है कि नहीं, और काफी दिक्कत होने के बाद जो एक लगा है, और इसको देखते हैं अभी फर्मा तो बनाया है, फर्मा में आता है कि नहीं। हो लोग ग्रिप ही लगा दी, ड्रिल भी कर दिया हम लोग, और 1.5 इंची स्क्रू लगा के अभी टाइट करने वाले हैं। देख रहे हो कैसा पकड़ के रखा है, हाथे पकड़ा नहीं सिर पे रखा है वो, और कुछ देर देखते हैं हमारा लाइट लगता है नहीं, और सभी कुछ लाइट लगने के बाद हम आपको ऑन करके दिखाते हैं, पहले तो इसको स्क्रू लगा लेने दो। फाइनली फॉर्मूला काम आ गया हमारा फर्मा का, और ये मिल गया, फिर मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई सही फर्मा बनाने से मेजरमेंट नापना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर मेजरमेंट सही तरीके से काम आ गया, और ये लाइट भी हैंगिंग हो गया, अभी वायरिंग होगा हमारा, उसके बाद हम दोनों लाइट को ऑन करके आपको दिखाते हैं कैसे जलता है। और दो बच्चों को एक दुर्घटना दिखाता हूँ, अभी घटा है, ऊपर लेके जाने दो कैमरे को, और अभी देख रहे हो पाँव में लाइट चालू करते हो, इसका पाँव बुरी तरीके से यहाँ पर चेयर में कट गया, प्लास्टिक चेयर में, आपको देख रहे हो कितना खून बह रहा है, एक प्लास्टिक चेयर में यहाँ से नीचे उतरा ना उतना समय, जैसे कि लाइट लगाने के समय उतर रहा था ना, तो पूरा पैर में वो प्लास्टिक चेयर हल्का सा लग गया, तो पूरा खून बह रहा है, देख रहे हो। ऐसा होता है दुर्घटना, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम होता रहता है हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क में, कभी हाथ कट जाता है, कभी ये कट जाता है, ऐसा मजाक नहीं समझने का इलेक्ट्रिकल काम को। देख रहे हो ये चेयर अपने को बलि मांग रहा है, देख रहे हो खून कितना ही कर रहा है साला, और फिर वहां पर दूसरा चेयर लेके चले गए यहाँ पर, और फर्मा में तैयारी कर रहे हैं। चलो रात के समय हो गया, और देखिए यहाँ पर 2 पीस हम लोग का लाइट लग गया, और चलो हम आपको लेके चलते हैं हमारे रूम पे, एक और रूम में है वहां पर आपको लेके चलते हैं। ये हमारा तो हॉल है, हॉल पे 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो काफी पसंद आया होगा, 2x2 का लाइट हम लोग ये वाला पहले बार फुल सीलिंग पे लगाए हैं, और काफी रोशनी भी आ रहा है, मस्त लग रहा है, और अच्छे से जल भी रहा है। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो चैनल को प्लीज फॉलो, ताकि ऐसा ऐसा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे हमारे कमलेश इलेक्ट्रिकल का। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।